हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो में देखिए इंडिया की सबसे हॉन्टेड स्टोरीज। करीब 5 साल पहले 13 सितंबर की रात, जो भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे और मेरी पत्नी को लेट नाइट एक फंक्शन के लिए घर से थोड़ा दूर जाना था। दोनों बच्चे छोटे थे तो उनको सुलाकर उनकी देखभाल के लिए मेरे बड़े भाई की बेटी सुलेखा को हमने घर बुला लिया था। बच्चे आराम से अपने कमरे में सो रहे थे और सुलेखा ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। टीवी का कनेक्शन बार बार आ जा रहा था। उसने सोचा कि वो हमारे बेडरूम वाले टीवी पे अपना सीरियल देखे, इसलिए उसने हमको फ़ोन किया और बोला, हेलो चाचा, एक्चुअली ड्राइंग रूम का टीवी नहीं चल रहा है, तो क्या मैं आपके बेडरूम में देख लूँ? और बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं था तो हमने हाँ बोल के फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद उसका फोन फिर आया। उसने कहा, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है, बहुत डर लग रहा है। ये जोकर वाली डॉल है, उसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुन के मैंने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, हमारे बेडरूम में कोई डॉल है क्या? मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने ये बताने के लिए फोन उठाया, कौन है वहाँ? हेलो हेलो, बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तो मैं अपनी पत्नी को लेके तुरंत पार्टी से निकल गया। जो उस समय मैंने सुन के मैं खुद भी काफ़ी सहम गया था, और पूरे रास्ते वही हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। घर पहुँच के हमने जो देखा उससे हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सुलेखा बेजान सी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, और हमारे दोनों बच्चे उसी डॉल से खेल रहे थे जिसके बारे में सुलेखा ने फोन पर कहा था। मैंने सुबह होते ही शहर से दूर एक नदी में उस डॉल को फेंक दिया। उस रात के बाद आज का दिन है। हमारे दोनों बच्चे तो ठीक हैं, पर सुलेखा को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और मेरे कानों में वो भयानक हंसी आज तक गूंजती है। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़ के मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी। मैं किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम मट्टी में लिपटी हुई। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा सा हुआ। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहाँ जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे कहते देखा,
उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से आगे बढ़ा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खड़खड़ हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गए। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकल कर घर पहुंचा और सीधे जाके सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आरे कॉलोनी में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। राजस्थान का कुलधरा गांव इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसे अजीब हादसे हुए हैं जिन्हें आसानी से बयान नहीं किया जा सकता। कुलधरा गांव 170 साल पहले अचानक एक दिन बंजर हो गया। जितने भी लोग यहाँ रहा करते थे वो सब ये जगह छोड़ के चले गए। कहते हैं इस गांव के ऊपर एक श्राप है और भटकती आत्माएं किसी भी इंसान को यहाँ टिकने नहीं देती। जब कुलधरा में भूत प्रेत के होने की बातें बहुत बढ़ने लगी तब दिल्ली की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस गांव में जाके इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाने का सोचा। ग्यारह में चार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम दोपहर के समय कुलधरा पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरू शुरू में उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एनर्जी का कोई साइन नहीं मिला। उनका स्पेशल मीटर जो आसपास की शक्तियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है उसने भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ा। पर जैसे जैसे शाम होने लगी उन्हें कुलधरा के माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। जब उनमें से एक टीम मेंबर अंशुमन गाड़ी में रखी पानी की बोतल लेने बाहर गया तब उसने देखा कि उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे के हाथ के निशान हैं। उसको ये बेहद अजीब लगा क्योंकि दूर दूर तक वहां कोई भी बच्चा नहीं था। इतने में टीम के बाकी मेंबर्स जो कुलधरा के खंडरों के अंदर थे उन्हें अचानक महसूस हुआ कि औरतों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने जैसे ही अपना पैरानॉर्मल मीटर ऑन किया वैसे ही उस मीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर दिया जो औरतों के भरते कदमों की आवाज के साथ और तेज हो गए। बाहर गाड़ी से पानी की बोतल निकाल रहा अंशुमन गाड़ी के शीशे को देखकर एकदम डर गया। शीशे से उसे दिखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी वहां खड़ा उसे घूर रहा है। पर जब उसने गाड़ी के बाहर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गायब था। और तभी उसे कुलधरा के खंडरों से अपने दोस्तों के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त सही सलामत एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनका मीटर ये संकेत दे रहा था कि कुएं के अंदर किसी आत्मा का वास है। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर टॉर्च मारी वहां से चमगादड़ों का एक झुंड निकला जिससे वो सब बहुत डर गए। अंशुमन ने हिम्मत करके उस कुएं में वापस झांका तो उसको वहां से अजीब सी आवाजें आईं। वापस चले जा, चले जाओ वापस, चले वापस, चले जाओ वापस, वापस चले जाओ वापस, वापस चले जाओ, चले चले जाओ। और फिर एक बार पीछे से औरतों के उनकी तरफ भरने की आवाजें वापस आने लगी। इतने में अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ अंशुमन की तरफ बढ़ा
वो उसको कुएं के अंदर खींचने लगा। अंशुमन ने जैसे ही नीचे देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसको वही डरावना बूढ़ा आदमी दिखा और अंशुमन बेहोश हो गया। उसके बाकी दोस्तों ने उसे वहां से निकाला और कुलधरा से वापस जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी वो उस रात वहां से निकल तो जरूर गए, लेकिन कुलधरा में जो भी उन्होंने महसूस किया उससे उन्हें यकीन हो गया कि कुलधरा हॉन्टेड है और वहां आत्माएं भटकती हैं। अंशुमन की तबीयत उस हादसे के बाद काफी महीनों तक खराब रही और कई सालों तक वो बूढ़ा आदमी उसके सपनों में आता रहा। ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर दो छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम तू सोया नहीं अभी तक? पर वहां शुभम नहीं बल्कि एक 18-19 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उस लड़के की तरह आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया। वो उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही एक भूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ! उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पे मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस घटना को सुन के वहां नहीं रहना चाहता। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक्ड थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है, पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे।
रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकला। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हाँफते हाँफते बोली, सुनील सुनील चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रस्ते के आसपास भी नहीं भटकते। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना करी थी जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान था। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे तिनकों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान को बेहद प्रेम करती थी और हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर, कोई उसे कभी नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया तब से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसता है। लेकिन कहते हैं हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना सोना था सब उस मंदिर को अर्पित कर दिया, लेकिन वो मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग वो खजाना पाने की चाह में मंदिर में गए तो ज़रूर, पर कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम के एक पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा करी और वहाँ जाने का सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की बू आ रही थी। अपने हाथ में मशाल लिए वो आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पे पड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास जंगली पेड़ों की लपट में कई लोग अधमरे से पड़े थे। वो ये देख के बहुत घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसे अचानक एक जानवर की दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिप के देखा तो आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि उसके बगल से
और वो उनसे बचते बचते नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उस पर एक जोर का वार किया। तो जानवर उसे मुंह से घसीटता हुआ हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और उसे नीचे छोड़ के वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठ के देखा तो वो दंग रह गया। वहां हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थी। गिरीश की आंखें चमक उठी और वो अपनी पोटली में सारा सोना भरने लगा। तभी अचानक मंदिर में बहुत जोर जोर से धमधम होने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा। जब गिरीश ने नजर उठा के देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा डरावना दृश्य देख के उसके पसीने छूट गए और वो पोटली वहीं छोड़कर बहुत जोर से दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह वो आग में लिपटा हुआ मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तेज थी जिसकी बदौलत आग तो बुझ गई पर उसका सारा शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले गए। उस दिन के बाद गिरीश सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और उसने अपना सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांग मांग के निकाल दिया। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी थी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बॉटल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के एक दो चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छनछन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू, जल्दी चल यहां से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहां से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा
उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती है। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए, और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करने से ही इंसान की रूह कांप उठती है। एक ऐसी याद मेरे जहन में आज तक मौजूद है जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही साल पहले ऑफिस के काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर शिमला चला गया। हमने वहां शहर के शोर से दूर एक कॉटेज बुक कराया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफी थक चुके थे और जल्दी सो गए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रिया दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था।
और वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था, रिया भी नहीं। मैंने उसके कमरे में जाके देखा तो वो बहुत इत्मीनान से सो रही थी, पर जब मेरी नजर खिड़की की ओर गई तो ऐसा लगा कि कोई लड़की मुझे घूर के देख रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नींद ना आने की बीमारी का असर है, और मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले दिन रिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो अनाप शनाप चीजें बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं करी थी जैसे तब कर रहा था। उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देके शांत कराया। मैं रिया के पास ही बैठा था जब मेरी नजर खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कल रात की तरह वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने पास जाके खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था, पर फिर जैसे ही मैं पलटा, मेरी बेटी रिया हवा में लटकी हुई मुझे देख के हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देख के डर लगा। समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, रिया बेटा क्या क्या हुआ तुम्हें, रिया क्या हो रहा है तुम्हें। मेरी चीख सुनके मेरी पत्नी, मेरा बेटा और कॉटेज का केयरटेकर कमरे के अंदर आए। उनके अंदर घुसते ही रिया और गुस्से में आ गई। उसने मुझे पीछे धक्का दिया और कुछ बर्बाते हुए बहुत जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी। जो उसके बाद हमने देखा उससे हमारे परिवार के होश उड़ गए। रिया की सांसें रुक चुकी थीं, गर्दन टेढ़ी थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सब को छोड़ के जा चुकी थी। वो केयरटेकर ये सब देखकर उस रात पता नहीं कहां गायब हो गया। हमने उसको ढूंढने के लिए पूछताछ करवाई तो मालूम पड़ा कि उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गए और वो कॉटेज एक कब्रिस्तान पे बना था। मुझे आज भी ढंग से नींद नहीं आती है। उस दिन से ऐसे लगता है जैसे कोई हर रात मुझे घूर के देख रहा हो। शायद वो कॉटेज वाली लड़की, या वो केयरटेकर, या शायद मेरी बेटी रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।